अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 4:30 हो रहे हैं। तो मैं अभी छत पे आया था, न्यूज़ पे आ रहा था कि सूरज ग्रहण लगा हुआ है। तो अभी मैं छत पे आया था सूरज ग्रहण देखने के लिए। तो पता नहीं आपको कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा कि नहीं आएगा। वैसे यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से मुझे आम आँख से नज़र आ रहा है कि एक सैारा जो है वो सामने आया हुआ और चाँद सा बड़ा हुआ है सूरज का। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल और भी बताना नबी भाई हो गई हैं। अभी ये दूरबीन के साथ देखते हैं सूरज ग्रहण। ओ इधर से साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ, इससे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है सूरज ग्रहण। अभी आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। तो आम आंख से तो नजर आ रहा है, लेकिन अभी देखते हैं कि कैमरा जो है ना वो सूरज की रोशनी जो है वो फैला रहा है। तो अभी कोशिश करते हैं इसे देखने की। दूरबीन उधर कर सूरज वाले आ रहा है नज़र। ये देखें थोड़ा सा सूरज जो है ना आधा आधा था यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आपको सीज से नज़र नहीं आ रहा। ओए ये चेक करें, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ना सूरज, तो ये ग्रहण हुआ है सूरज यहाँ पे। ये चेक करें यहाँ से नज़र आ रहा है, ये चांसा बना हुआ है सूरज का। तो ये जी सूरज ग्रहण लगा हुआ है अभी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो पता नहीं कितना होगा पूरा सूरज ग्रहण होगा, जब पूरा होगा तब भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पता नहीं मुझे कि आप सूरज की तरफ इस तरह देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। तो वैसे पहले तो कहते थे कि नज़रें ख़राब हो जाती अगर सूरज की तरफ इस तरह देखा जाए, लेकिन अभी पता नहीं, हम तो देख रहे हैं आम आँख से ही। तो हमने कोई ग्लासेस वगैरह नहीं पहने हुए, तो नवीर भाई भी अपनी दूरबीन लेके आए हुए हैं। तो वैसे मैं आया था ऊपर चूज़ों को भी देखने के लिए, मैंने कहा इन्हें भी थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं। और मेरे ख्याल वहाँ पे ये गुलारी भी बैठ के ना देख रही है चांद ग्रहण। चांद ग्रहण कह दिया सूरज ग्रहण जो है, गुलारी भी देख रही है। अभी जो है ना सूरज जो है ऐसा 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 पूरा हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपको किसी तरीके से इस तरह में दिखाऊँ, क्योंकि ये सूरज की जो रोशनी है ना तो वो फैल रही है, जिसकी वजह से ये कैमरा दिखा नहीं रहा। तो अभी कोशिश करते हैं थोड़ा सा आपको दिखाने की। तो अभी ऐसा ऐसा ना पूरा ही हो रहा है सूरज ग्रहण, तो जब पूरा हो जाए ना फिर को देखने की कोशिश करते हैं। हाँ जी क्या देख रही हो, हैं सूरज ग्रहण देख रही हो, हैं तुम भी देख रही हो, देख रहे हो कि देख रही हो ये नहीं मुझे पता। अब वापस आ कहाँ जा रहे, कहाँ ओ उधर जाके देखेगा। एक बात करना, मुझे काफ़ी ज़्यादा कल से दुख हुआ हुआ है कि अर्शद शरीफ जो एक टीवी एंकर था न्यूज़ चैनल का, तो पाकिस्तान में तकरीबन मेरे ख्याल से वो वाहद एक आवाज़ थी जो हक और सच का जो अलम बुलंद करने वाला था, तो उसे जो है कत्ल कर दिया गया। और अल्लाह अर्शद शरीफ की जो है मगफरत करे, उसके दर्जा बुलंद करे और उसकी जो आखिरी जो है मंजिलें हैं वो आसान करे। और बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, तो पूरा तकरीबन पाकिस्तान जो है इसी दुख में है। और जो लोग समझते हैं कि वो हक और सच की आवाज़ बुलंद करता था, सबको दुख हुआ है। अब ये चेक करें, अब क्लियर जो है सूरज ग्रहण वो नज़र आ रहा है। तो सूरज जो आधा आधा सा है, तो अब जो थोड़ा सा सूरज जो है ग्रूब होने के करीब है, तो अब काफ़ी ज़्यादा ना गहरा आसानी से नज़र आ रहा है, बगैर जो दूर पे उससे भी नज़र आ रहा है। ये चेक करें यहाँ से, और अब चेक करें यहाँ से सूरज ग्रहण लगा हुआ है। कल भी मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, कल भी दिल नहीं करा था, और आज भी एक्सरसाइज नहीं की, आज भी दिल ही नहीं करा, और मेरा जो सर है ना वो फटा जा रहा है पता नहीं किस वजह से। लेकिन मैंने नींद तो अपनी पूरी की थी अच्छी तरह से, लेकिन पता नहीं क्यों ना ये पता नहीं बस खबरें सुन सुन के इस तरह की, तो दिमाग मेरा ना फटा जा रहा है, समझ नहीं आ रही। तो आज भी मैंने एक्सरसाइज नहीं की। अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, तो मुजम्मल जो है ना उसकी लगी थी जॉब, तो उसने पार्टी देनी थी, तो काफ़ी दिनों से पार्टी नहीं दे रहा था, तो आज उसने कहा कि मैं दे रहा हूँ आपको पार्टी, तो चलते हैं बाहर खाना खाने के लिए। तो अभी सारे जो फ्रेंड हैं वो इकट्ठे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल, ठीक ठाक है? और लेट ही तो बड़ा करिए था, आंदा नहीं पाया थी। अच्छा खैर सी, हाँ चलो दवाई लाती है। भुख लगी कोई जगह डिसाइड करनी कि नहीं यार, बह तो सही। अच्छा बह ही है, चलो हाँ किधर जाना, टिक्के खाने नहीं नहीं पैसे नहीं दया करने, चलो ठीक है टिक्के खाने टिक्के खाने जो कहता हूँ जो कहता जो मैं कहता हूँ कहता कहता हाफज या जी रखना मान पर बात हाँ हाफज इधर आया
ਇਧਰ ਬੈਠ ਜਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਣਾ ਇਧਰ ਬੈਠ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਬਾਬ ਆ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੋਬ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਿੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸਰਾਤ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਣੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਰਾਸੀਮ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਗੇਰ ਪੁੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ वगैरह खा लिया तो अभी आ गए चाय पीने के लिए तो अभी गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं यहाँ से तो एक दोबारा मजा आ जाता है चाय पी के तो मजेदार हंसता हूँ रोंटे खड़े हो अच्छा चलो देख चकल बिस्मिल्लाह पड़ी सी बोल गया मेरे चली स्मेल जी कदों आ रही है पार्टी वगैरह करके अब हम घर आ गए हैं तो अभी टाइम जो हो रहा है तकरीबन 11:30 हो रहे हैं तो बेटा मैं जहाँ बैठ के व्लॉग एडिट कर रहा था तकरीबन व्लॉग एडिट हो चुका है तो अभी इस व्लॉग को अपलोड करते हैं और अपलोड करके फिर जाके सोते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें तब तक इतना ही अल्लाह हाफ़िज़।